है वो, ये अच्छी चीज थोड़ी ना। मेरी हालत देखो, आँख देखो मेरी, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, शिवानी कुमारी बेहद परेशान है अपने मिलने वालों से, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो कह रही है, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं अपने काम पर भी यहाँ तक कि ध्यान नहीं दे पाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, शिवानी कुमारी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे और फिजिकली दोनों तौर पे वो बहुत परेशान हो चुकी है। और सभी से वो हाथ जोड़कर और उसके फैमिली वाले सभी रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में मत आओ, इतनी ज़्यादा संख्या में मेरे घर मत आइए, मैं परेशान हूँ। वो कह रही है, मुझे अभी अपने मूवी की शूटिंग करनी है, तो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, अगर मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूंगी तो मैं कुछ काम मूवी में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने मुझे अपना वजन कम करने के लिए कहा है और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है। तो गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी कम मुझसे मिलने के लिए आइए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन सुबह वह नहाई भी नहीं है, सो के उठती है, वैसे ही उसके घर वैसे मतलब लोग आना स्टार्ट कर देते हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो अपना सभी लोग अपना चैनल को मतलब ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए शिवानी के पास जा रहे हैं, क्योंकि शिवानी जिसके भी मोबाइल में और वीडियो में आ जाएगी, वीडियोस में आएगी या फोटोज़ में आएगी, तो उसके मतलब ज़्यादा उसको ग्रोथ मिलेगी और उसका चैनल जल्दी से ग्रो करेगा। इस वजह से सारे लोग उसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं, सब लोग अपना भला देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी किसी को भी चिंता नहीं, अगर मेरी किसी को चिंता होती तो कोई वीडियोज़ बनाने नहीं आता मेरे साथ, मुझे मिलने के लिए आता, मेरे हालचाल पूछने के लिए आता। अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो मैं बहुत अच्छे से उनसे मिलती हूँ और बहुत अच्छी तरह से बातचीत करती हूँ, पर यहाँ पर जितने भी लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, सब के सब अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आते हैं, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, मुझसे कोई मिलने नहीं आ रहा है, मेरी तबीयत और मेरा हालचाल पूछने नहीं आ रहा। गाइस, आप लोगों की क्या राय है, कि शिवानी सही कह रही है या शिवानी को कुछ घमंड आ गया है जब से वो बिग बॉस के घर से निकल कर आई है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं। पर कुल मिला के मैं तो यहाँ पर शिवानी के लिए ये कहना चाहूँगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि भाई शिवानी कुमारी सचमुच अभी ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि उसको बुखार आ गया है, क्योंकि वो खुद ही सारे काम उसको खुद ही करने पड़ते हैं, वो सबके साथ सबके वीडियो बनाती है, फिर अपना वीडियो बनाती है, वीडियो की एडिटिंग करती है, उसको अपलोड करती है, तो काफ़ी सारा काम रहता है। रात को उसको 1-2 बज जाते हैं, सुबह भी लोग 6 बजे। परिवार को न्याय मिले तो का फांसी की सजा दी जाए, ऐसे मारो जाए तड़पा तड़पा की बेहू याद करने की हमने क्या करो तो अपनी जिंदगी में, कबू हम तो का इंसान को जन्म ना मिला उन्हें। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद ही सही शिवानी कुमारी ने यहाँ पर जो कोलकाता का जो इंसिडेंट हुआ था उस पर उनके परिवार वालों को पर अपनी सिंपत्ति दी है और अपनी सिंपत्ति बताती है, कहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को शक्ति दे कि वो इस दुख से उभर सके। तो शिवानी को यहाँ पर राखी के दिन इतने लोगों से मिलने के लिए आए, पीछे आप गिफ्ट देख सकते हैं, हर कोई आता है गिफ्ट लेकर आता है, तो परेशान है, उसे बुखार आ गया है। उनके मम्मी की भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है, उनके मम्मी जी के भाई अभी वो छोटी है थोड़ी सी, अभी मतलब उतना वो नहीं कर पाती है, उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं है कि तो हाँ जी आंटी जी, हम लोग समझ सकते हैं, तो प्लीज़ हमारी भी मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा से कम मिलने जाइए, और जब वो थोड़ी सही हो जाती है, उसकी सेहत में कुछ सुधार आता है, तो आप लोग उसे मिलने जाइए। वो सभी से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोगों से मिलती है, वो जब वो परेशान हो जाती है, इंसान यार जब परेशान हो जाता है, हम भी परेशान हो जाते हैं तो मिलने से मना कर देते हैं। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं दूसरे